भैया इधर आ जाइए आइए खुल लिए है भाई वो सुरक्षक है वो बॉडी गार्ड है वो फोटो को चाहिए चलिए फोटो के लिए खड़ा हो जाते हैं हटिए ना 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 जयंती है हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और राज्य के लोगों से देश के लोगों से आग्रह करते हैं कि उनका जो सपना था देश को बनाने का आप जानते हैं जो संचार युग जो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स बन गया है उसको लाने में उनको कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी और हम समझते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में चाहे वो संगठन के स्तर पर हो चाहे देश के स्तर पर हो चाहे विदेश के स्तर पर हो उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया था। हम अपने साथियों से आग्रह करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश को आगे लाने में पूरा अपना जो संभव हो मदद करनी चाहिए। अध्यक्ष जी बिहार में बड़े पैमाने पर दल बदल का खेल शुरू हो चुका है क्या कहेंगे? चुनाव का समय है और ये पहले से भी सब जगह कुछ न कुछ होता रहा है। हम समझते हैं यह कोई ऐसी घटना नहीं है जिस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दिया जाए लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है आरजेडी उसके कई नेता जदयू में शामिल हो गए। जो नेता अभी का मामला चल रहा है वो लोग पहले ही से वैसे दूसरे पार्टी का मामला है मुझे कोई इस पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं जो लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग का मनसा कई सालों से यही रहा है और वो लोग करते रहे हैं। ठीक इसलिए अध्यक्ष जी एक सवाल है क्या लगता है आप मानते हैं आरजेडी अपने खुनवे को सहेज के रखने में सफल नहीं हो पा रही है या फिर अपने खुनवे को आरजेडी को सहेज के रखना चाहिए? देखिए राज्य में जो स्थिति है चाहे चाहे बाढ़ की स्थिति हो आप समेटने की बात करते हैं वो लोग जो पार्टी जो लोग तोड़ के अपने में मिला रहे हैं निश्चित रूप से उनको इस बात की अंदेशा है कि हमने जो गलत काम किया है उसके बदौलत हम हार रहे हैं और इसलिए कौन दूसरे को मिलाता है अपने में जो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। यदि आपके आपके विधायक दूसरे जगह जाते हैं तो नेतृत्व का जो जहाँ हो लोग बहुत आदमी माइंड पहले से बनाए हुए थे लेकिन हम सबसे बड़ी बात इसका ये मानते हैं कि जो लोग इतना दिन से 15 साल से सत्ता में हैं उनको अपने काम पर भरोसा नहीं है। या तो कांग्रेस ने 15 साल पहले या लालू जी ने 15 साल पहले क्या किया उसका व्याख्यान करते हैं
ये राज था, ये राज था। आप 15 साल में क्या किया ये ना बताइए। जीतन राम जी, आप अपने कुनबा जो है विधायकों का उसके काम पर भरोसा नहीं है, तो ये तो प्रूफ हो रहा है ना। जो दूसरे दल में अच्छे लोग हैं उनको एन केन प्रकार अपने में लाने का प्रयास कर रहे थे, तो इसका मतलब है उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लगता है जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे और जदयू में मिल जाएंगे। ये इसका जवाब तो जीतन राम मांझी जी देंगे, क्योंकि ये बात तो एक साल से हम लोग सुन रहे हैं। जो वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, सब लोग वहीं रह रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी लगातार डिमांड कर रहे हैं, डिमांड का फुलफिल उनका जो था कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात थी, कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन की गैप था वो खत्म हो चुका है। हम लोग का आजकल जो आपस में बराबर विचार विमर्श होते रहता है, कम्युनिकेशन गैप हम लोग के बीच नहीं है।